दरवाजे पर दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। अरे वरी सर, आप गए नहीं, आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप? ये मेढक, ये बतख और ये केला। मेढक सी जिंदगी उदासी, ताजी हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। बीआरसी ब्लॉक बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्राथमिक विद्यालय गंगापुर के प्रधानाध्यापक है हमारे साथ इस टाइम जुड़े हुए, आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्रधानाध्यापक महोदय। मेरा नाम वकील अहमद है और मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगापुर कला में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और अच्छा, कायाकल्प के बारे में बताइए। आपकी बिल्डिंग हमने देखी और इसकी वीडियोग्राफी भी हमने की है, बहुत अच्छा सुंदर सा आपने बना रखा है अपने विद्यालय को। तो किस तरीके से किया, ये कैसे किया, कुछ लोगों को, कुछ अब अध्यापकों को इससे जानकारी मिलेगी तो वो भी हो सकता है कि इसको देख के कुछ प्रेरणा मिले और वो भी अपने विद्यालय को इसी तरीके से सुंदर और स्वच्छ बनाए। जी, ये सरकार का बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम रहा है कि उन्होंने मिशन प्रेरणा के अंतर्गत और कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों का जो जीर्ण शीर्ण हालत में थे उनको कायाकल्प के माध्यम से के द्वारा बहुत ही अच्छा बना दिया गया है इस वक्त। और उसमें जो भी है पूरा फोकस गवर्नमेंट का जो है कायाकल्प के ऊपर है और विद्यालय को सुंदर और स्वच्छ बनाने का उनका प्रोग्राम रहा है और वो आज धरातल पर दिख भी रहा है, जैसा कि हमारे विद्यालय में है। बिल्कुल सही कंडीशन में इस वक्त हमारा विद्यालय है और कायाकल्प का सारा पैसा इसमें लगा हुआ है जो भी। और इसमें क्या है, प्रधान जी का सहयोग रहा है और हमारे माननीय खंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार सर का भी सहयोग रहा इसमें, और जो मुकामी तौर मुकामी लोग हैं, अभिभावक हैं, उनका भी सहयोग रहा है। उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें मतलब काफ़ी सहयोग किया है और इस विद्यालय को बनाने में, और कभी भी कोई भी मतलब कोई भी तोड़फोड़ इसमें नहीं की गई है, जैसा है वैसे ही। अच्छा, प्रधान जी की तरफ से भी आपको कुछ सहायता सहयोग मिलता है किसी तरीके का, कुछ कार्य करवाने के लिए वो अग्रणी रहते हैं
जी यार, जो कायाकल्प का के माध्यम से 14वें वित्त आयोग से सन 1920 में इसमें कार्य कराया गया था और प्रधान जी ने काफ़ी इसमें कायाकल्प के द्वारा जो 14वें वित्त का जो पैसा लगाया वो काफ़ी पैसा इसमें लगाया है। जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं यहाँ पर हमारे विद्यालय में पूरा किस तरीके से हमारा विद्यालय सही कंडीशन में है। आपके विद्यालय में इस वक्त मौजूदा हालात में आपका प्रांगण जो है वो सम्मिलियन है, प्राथमिक विद्यालय भी साथ में है और जूनियर भी साथ में है, तो इसमें टोटल कितने इसमें अध्यापक हैं आपके विद्यालय में? जी इस टाइम पर इस टाइम मौजूदा इस समय हमारे विद्यालय में टोटल स्टाफ 7 लोगों का है, 4 सहायक अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र हैं और 1 प्रधान अध्यापक, टोटल 7। अच्छा, स्टूडेंट की क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पे, स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट पहले की कंडीशन में इस वक्त प्रोग्रेस हुई है, इस साल काफ़ी नए एडमिशन किए गए हैं और इस वक्त हमारे जो कंपोजिट विद्यालय में पूरे 1128 में 103 छात्र पंजीकृत हो चुके हैं, यानी कि ईयर टू ईयर जो है यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है स्टूडेंट की जो है हमारे रजिस्ट्रेशन में। जी जी, पहले से काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, अच्छा कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे शिक्षकों को? जी मैं शिक्षकों को यही संदेश देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि वो हमारे विद्यालय को देखकर प्रेरित हों, जैसा कि हमारा कितना सुंदर हमारा विद्यालय बना हुआ है, पूरे फुलवारी भी देखो लगी हुई है, कितना अच्छा मैदान है, कितना खेल का भी मैदान है और अभी अभी जो सरकार के द्वारा हमारे बराबर में पार्क में एक जिम लगाया गया है जिससे कि बच्चे हृष्ट पुष्ट होंगे, ताकतवर भी बनेंगे और काफ़ी जी बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी के लिए फिजिकल एक्टिविटी है। जी जी, जिम का होना, हाँ जिम बराबर में जिम भी लगाया गया है बच्चों के लिए और उसमें बच्चे जैसे ही स्कूल गवर्नमेंट आदेश देगी विद्यालय में बुलाने के लिए बच्चों को, तो उनको ये एक्टिविटी भी करा दी जाए करेगी। सर स्टाफ का थोड़ा सा इंट्रो आप करा दे तो वह बेहतर होगा सबसे पहले। जी मेरे स्टाफ में सबसे पहले जो यहाँ पे पोस्टिंग हुई है सहायक अध्यापक के रूप में श्री ललित कुमार हैं, उसके बाद में श्री अरिंद कुमार जी, उनके बाद में श्री गुलजार सिंह और उनके बाद श्री अतुल कुमार शर्मा और पहले से भी यहाँ पे कार्यरत हैं 2 शिक्षा मित्र हैं लेडीज़ जो हैं रंजीत कौर, मैडम रंजीत कौर हैं और मैडम बलजीत कौर हैं। यहाँ पर टोटल स्टाफ जो है कुल मिला के 7 लोगों का हमारे अध्यापकों का स्टाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्कूल देखकर बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी आशा करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा और करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे प्रधानाध्यापक द्वारा तुम्हारे स्कूल में आज बैग वितरण हुआ है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है बैग प्राप्त करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, और चाहते हो कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुले? जी। जब खुलते थे तो मौज मस्ती मिलती थी यहाँ पर करने को जी। और साथ में पढ़ाई करने को मिलती थी जी। पढ़ना अच्छा लगता था या सिर्फ बैग लेना अच्छा लगता है? सर जी पढ़ना अच्छा लगता, पढ़ना अच्छा लगता है। तो ज़रा थोड़ा सा स्माइल करके दिखाओ, बहुत अच्छी वाली हंस के दिखाओ ज़रा बढ़िया करके, अच्छा लगा ना। अच्छा और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर तुम्हें खाने पी? खेलना मिलता है सर जी, खाना मिलता है सर जी, जूते मिलते हैं सर जी, लिखना मिलता है। अच्छा प्राइवेट स्कूल से अच्छा लगता है? कभी प्राइवेट स्कूल देखा है? प्राइवेट स्कूलों को जाके तुमने जी देखा है जी। वहाँ से और यहाँ में कुछ अंतर महसूस करते हो जी? वो अच्छा था या ये अच्छा है? सर जी दोनों सही है। दोनों सही है जी। दोनों की तुलना अगर करना चाहोगे यहाँ पे पढ़ाई के मुकाबले में तो कैसे तुलना करोगे? वहाँ पढ़ाई अच्छी थी या यहाँ पढ़ाई अच्छी है? यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ सरकार द्वारा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि तुम्हें बैग है, किताबें हैं फ्री, ड्रेस फ्री है और तुम्हें खाना भी यहाँ पे निःशुल्क मिलता है और अच्छे टीचरों द्वारा यहाँ पे तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट की जाती है जिससे तुम्हें पढ़ने लिखने में बहुत सारी मदद मिलती है। बेटा आप आओ। तो कैसा लगा आज तुम्हें बैग प्राप्त करने के बाद स्कूल में? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना यहाँ पे आने के बाद? चाहते हो कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुले? जी है जी चाहते। कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
कक्षा पाँच में पढ़ते हो, मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटे जाओ। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सिफा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छः में। कक्षा छः में पढ़ते हो। तो बैग आज आपको बैग मिला है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है बैग मिलने के बाद? अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पे आपके जो स्कूल में अध्यापक हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा सा आपके स्कूल का वातावरण देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो आपका भी मन लगता है स्कूल में, चाहते हो स्कूल जल्दी से जल्दी खुले? ठीक है बेटा, थैंक यू। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बच्चों बच्चों बच्चों, कैसी है पेंटिंग? देखिए देखो, अति सुंदर सर, फर्स्ट प्राइज सर। क्या बात है, क्या बात है सर। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा, मिलके छुड़ाओ सारे सारे आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना।